इतना पॉपुलर हो गए थे कि वहां के सामंती विचारधारा के लोगों ने उनका हत्या करा दिया। पूर्व में पहले ही प्रशासन को सूचित कर दिए थे। किसने दिया था? उनकी पत्नी और उन्होंने कि हमारे जान माल को खतरा है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के स्थानीय एमपी है और स्थानीय विधायक है, उस दिन जो है छुड़ाना चाहिए, जिस दिन प्रशासन पकड़ के लाया, कमान काट दिया, जेल भेज दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। मेरे साथ अभी बैठे हैं अजय कुमार यादव जी, तुकलिया आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जो अभी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में एक बहुत ही निशंस हत्या हुई है, काफी उसकी चर्चा है। पंचायत चुनाव से पहले ये जो हत्या हुई है, इसके काफी गहरे राजनीतिक निहितार्थ है। स्थानीय राजनीति में भी इससे उबाल आ चुका है। और ये हत्या हुई थी पवन कुमार गुप्ता की, जो पैक्स अध्यक्ष थे, मटियरिया के पैक्स अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई है। लेकिन वो हत्या क्यों हुई, उसके पीछे कौन लोग थे, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे अजय कुमार यादव से। ये भी पैक्स अध्यक्ष है और तुकलिया आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी है। और चूंकि इनसे हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये पवन कुमार गुप्ता जिनकी हत्या हुई, उनके भी काफी गहरे पुराने मित्र हैं। तो एक मित्र के बारे में एक मित्र से ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है। तो अजय जी, स्वागत है आपका। और क्या पूरी कहानी क्या थी? देखिए, पवन जी हमारे मित्र थे। 2014 में वो पैक्स के चुनाव जीते और इधर दोबारा भी चुनाव जीते। काफी हमसे लगाव था क्योंकि पंचायत चुनाव के जो भी रणनीति था, हमसे राय लेते थे और हमको सही सलाह भी देते थे। बीच में हमसे उनसे बात हुआ था, बोले कि मुखिया के चुनाव लड़ना है, ठीक है लड़िए भाई, आपका मदद हम लोग करेंगे। मुखिया चुनाव लड़ना चाह रहे और उनके बढ़ते प्रभाव समाज में और इतना पॉपुलर हो गए थे, वहाँ सामंती विचारधारा के लोगों ने उनका हत्या करा दिया। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल, पूरे चंपारण के जो भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सभी लोग विरोध कर रहा है। और वहाँ जो जिनका नाम आया है, जो यह घटना का अंजाम दिया है, क्या नाम है पूरा, तो अपराधियों द्वारा बताया गया। वो पेपर के माध्यम से भी हम लोग पढ़े, स्थानीय मुखिया सुरेंद्र जी और उनके सहयोग के द्वारा पवन जी का हत्या कराया गया। और वहां के स्थानीय प्रशासन जो है, निर्दोष व्यक्ति को जिनका हत्या हुआ, उनके समर्थक लोगों को टारगेट कर 52 लोगों को पकड़कर जेल भेजने का काम किया। और महिलाओं को भी रात में पीटा गया, उनके बच्चों को पीटा गया और उनके गार्जियन को पकड़कर जेल भेजने का काम किया। वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जिस स्टाइल में प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, यह कहीं से उचित नहीं है। उस स्टाइल दर्शाता है कि प्रशासन आरोपी को बचाव कर रहा है। लेकिन आपके चूंकि मित्र हैं, रहे हैं पवन जी, तो आपको तो जैसा कि आप स्थानीय भी हैं उसी इलाके के, तो आपने पहले ही कहा कि सामंती विचारधारा, तो इसका मतलब है कि आप जो कहानी है स्थानीय राजनीति है उसको आप जानते हैं, क्या है उस पर जरा बात कीजिए। देखिए, वहां जिनका नाम आया है, पहले से वो मुखिया थे, उनके हम लोग तो सुने हैं, उनके दादा परदादा वगैरह वगैरह लोग मुखिया थे और आज वो मुखिया हैं। लेकिन पवन कुमार गुप्ता का जो समाज में पकड़ बढ़ रहा था, उनकी छवि अच्छी हो रही थी, तो ये लोग को पसंद नहीं आया। वो अपने रास्ते से उनको हटाने का ही हत्या का षड्यंत्र किया गया और उनकी हत्या करा दी गई।
इस समाज में जो संदेश गया है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जो निर्दोष है, जिसको आप पकड़े हैं, प्रशासन पकड़ा है, उसको छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है, उल्टा सारा गतिविधि है, उल्टा कार्रवाई कर रहा है लोगों पर। मर्डर केस को कमजोर करने का यह पूरा षड्यंत्र है कि मर्डर केस को किस तरह कमजोर कर दिया जाए। तो जो पवन जी आपके मित्र थे, उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, होती होगी? इतनी बड़ी घटना है, अब परिवार में पोस्टमार्टम में हम लोग थे, उनके साला उनका क्या कहना है, परिवार वालों का क्या कहना? परिवार वालों को तो उनका बुरा बुरा हाल है, पत्नी है, छोटा छोटा बच्चा है। वो कोई अंदेशा था कैसा कुछ? अंदेशा देखिए, देखिए वो पूर्व में पहले ही प्रशासन को सूचना दिए। किसने दिया? उनकी पत्नी और उन्होंने कि हमारे जान माल को खतरा है, और पहले भी उनको क्रिमिनल के द्वारा धमकी आया था कुछ दिन पहले। तो क्योंकि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, तो सुरक्षा के लिए गुहार लगाया था, लेकिन प्रशासन कहीं से किसी की तरफ इशारा किया था उन्होंने? कहीं बोला कि पंचायत चुनाव को लेकर हमारे जान माल के खतरा है, और जो हो गया जान माल के खतरा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन कोऑपरेट नहीं किया, तो घटना के अंजाम देने में सफल रहा। वहां के जो मुखिया था, तो अब आगे क्या, मतलब आपके पार्टी की तरफ से भी लोग आ रहे हैं, बड़े लोग विधायक? कल पटना से टीम आ रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जिला के कप्तान सुरेश यादव जी रहेंगे, और यहाँ के स्थानीय सब लोग रहेगा, और टीम जाकर उनके परिजनों से मिलेगा और इस पर बात करेगा। बात करने के बाद में स्थानीय प्रशासन से भी बात होगा। और आज राधा मोहन सिंह और प्रमोद जी भी गए थे, ठीक है? अब चूंकि यहाँ के लोकल एमपी हैं, उनका कर्तव्य है ऐसे ऐसे घटना पर विचार। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको हम लोग छुड़ाने का काम करेंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, हो सकता जरूरत हुआ तो आंदोलन भी करेंगे। देखिए, अब जिस समय वहां से पता था, रात में लाया मुफस्सिल थाना में सभी लोगों को बंद किया, उस दिन ये लोग मांग नहीं किया है। स्थानीय एमपी और स्थानीय विधायक उस दिन जो है छुड़ाना चाहिए, जिस दिन प्रशासन पकड़ के लाया, कमान काट दिया, जेल भेज दिया। यह मैंने कितना निंदा किया जाए बहुत ही कम है। यह स्थानीय, अब यहाँ तो चूंकि राजनीति रूप हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं, हम लोग जो सच्चाई है वही हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। जो भी आप गिरफ्तार किए हैं वह निर्दोष लोग हैं, और जो दोषी लोग हैं उन पर ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजाएं दिलवाइए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा दुसाहस न कर पाए। सर, पूरी बातचीत से एक चीज ये समझ में है कि ओम गुप्ता चुनाव लड़ना चाह रहे थे मुखिया पद, तो एक इम्प्रेशन ये बन रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर वो आएंगे, लेकिन क्या सिर्फ इतनी वजह? मान लीजिए अगर ये ऐसा है तो पूर्व से ऐसा कुछ लग रहा था पहले से? देखिए, पैक्स अध्यक्ष थे वहाँ के, जब चुनाव जीते फिर दोबारा भी जीते, तरह तरह किसको के हरा कर जीते थे? वहाँ कोई था किसी को हराया, उनका नाम हमारा मालूम नहीं था। मुखिया जी उस समय भी उनका विरोध किए, आज भी उनका विरोध किए हैं टैक्स के चुनाव में, उन पर आरोप है। और मुखिया के चुनाव भी उनकी पत्नी उम्मीदवार थी, और इस तरह का लग रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे, तो सारी घटना का अंजाम दिया गया। तो आपने देखा, अजय जी ने दो तीन बातें बहुत साफ की, जिससे एक चीज तो ये निकल के आया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हुआ पंचायत के जरिए, उसकी वजह से विकास जो होना था या होना वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो एक टसल है, एक राजनीतिक संघर्ष है, और बिहार जैसे स्टेट में वो राजनीतिक संघर्ष जब हिंसा का रूप पकड़ लेता है, उसी का एक नतीजा पवन गुप्ता की हत्या के तौर पे देखा जा रहा है। जो कि पैक्स अध्यक्ष थे और वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे मुखिया का, और जैसा अजय जी भी बता रहे हैं और जैसा एक जनरल परसेप्शन भी इलाके में है कि ये एक इस वजह से भी उनकी हत्या हो सकती है कि वो एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर शायद उभर कर आते हैं।
खैर अब पुलिस जांच चल रही है, सच क्या है झूठ क्या है वो धीरे धीरे सामने आता रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना था, समझाना था कि पंचायत जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव में हिंसा का होना कितना दुखद है, कितना गलत है और किस तरह से भी बिहार में हो रहा है, इसको बड़े पैमाने पर सोचा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को जो लोग आज जाकर सांत्वना दे रहे हैं या बात कर रहे हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार, हम फिर आएंगे और इस मामले में थोड़ी और बातचीत करेंगे, पवन जी के परिवार वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।